नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ मेरे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और मीठी सी रेसिपी, जिसे आप व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आज मैं आपका मुंह मीठा कराऊंगी इस मखाने की बर्फी के साथ। तो दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए और मेरी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और मैं आपके लिए टेस्टी टेस्टी रेसिपीज लाती रहूँगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने चैनल वेज एंड स्पाइस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए इस मीठी सी रेसिपी को बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिया है हमने एक पैन, जिसे हमने धीमी आँच पर रख लिया है। अब इसमें हम डालेंगे फूल मखाने। तो मैंने यहाँ 2 कटोरी मखाना लिया है। अगर आप मेज़रमेंट करेंगे ना तो लगभग ये 80 ग्राम के करीब मखाना है। तो इसे हमें धीमी आंच पे रोस्ट कर लेना है, मतलब थोड़ा सा ऐसे भून लेना है। इसका हमें कलर नहीं चेंज करना है, बस इतना भूनना है कि इसमें एक कुरकुरापन आ जाए। तो फ्रेंड्स, आप अपने बच्चों के डाइट में मखाना ज़रूर इंक्लूड करिए, ये काफ़ी हेल्दी फूड माना जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा मखाना काला होगा ना, इसका छिलका होता है ये मखाने का, इसको आप निकाल दीजिए। तो मखाने को हम व्रत में भी खा सकते हैं और चाहे तो वैसे भी खा सकते हैं, ये काफ़ी हेल्दी होता है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम भी पाया जाता है, तो आप इसे अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए। तो ये देखिए, मखाना हमारा हो गया है। हम इस तरीके से अगर इसे फोड़ेंगे ना तो ये ऐसे क्रश हो जाएगा, ये देखिए ऐसे आसानी से ये टूट जाएगा। तो अब हमें इसे पलट देना है एक दूसरे बर्तन में, इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, इसके बाद हम इसे पीस लेंगे। तो सेम पैन में हमने यहाँ पे लिया है 1/2 कटोरी के करीब काजू। तो आप काजू 1 कटोरी भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 1/2 कटोरी काजू लिया है। इससे ना हमारे जो बर्फ़ी बनेगी उसमें थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर इंक्लूड होगा, जो कि काफ़ी टेस्टी लगेगा। तो इसे भी हम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। इसका हमें कलर नहीं चेंज करना है, बस इसे ऐसे ही थोड़ा रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ हमने काजू को भी रोस्ट कर लिया है और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मखाना भी ठंडा हो गया है। अब हम सारी चीज़ों को पीस लेंगे। तो इसके लिए हमने लिया है यहाँ पर एक जार और इसमें हम अपना मखाना डाल देंगे। तो यहाँ हमने मखाने को 2 पार्ट में पीसा हुआ है। तो सबसे पहले हम 1/2 मखाना डालेंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसे पीस लिया है। अभी ये अच्छी तरीके से नहीं पीसा हुआ है, तो अब हम इसमें बाकी का जो मखाना था ना, उसे भी डाल देंगे और एक पाउडर बना देंगे अच्छे से। तो ये देखिए, अब इसके अंदर हम वो जो हमने काजू भून के रखा था उसे भी डाल देंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे काजू भी डाल दिया है। अब इसे भी हमें पीस लेना है। तो इसे हमें खूब अच्छी तरीके से पीसना है, जिससे कि एकदम इसका एक पाउडर सा बन जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने इसे पीस लिया है और देखिए हमारा काजू और मखाने का पाउडर तैयार है। तो इसके बाद हमने इसमें डाला है 1 कप के करीब नारियल को घिस के। आप चाहें तो इसमें जो घिसा हुआ नारियल आता है ना मार्केट में, जिसे हम डेसिकेटेड कोकोनट कहते हैं, उसे भी डाल सकते हैं। उससे क्या होगा ना कि वो आपकी जो बर्फ़ी है वो एकदम वाइट वाइट बनेगी। तो मेरे पास वो नहीं था फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे सूखा जो नारियल होता है उसे घिस के डाल लिया है। तो यहाँ हमने सारी चीज़ों का पाउडर बना लिया है। अब आइए हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो जिसके लिए हमने सेम पैन में लिया है 2 गिलास के करीब दूध, और मेज़रमेंट में देखेंगे तो ये कम से कम 500 लीटर दूध है। अब हमें दूध में एक अच्छा सा उबाल आने देना है। तो ये देखिए, दूध हमारा उबल गया है। अब हमें आंच को धीमा करना है और इसमें डालना है चीनी। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप चीनी डाला है। आप मीठा अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें जो धागे वाली मिश्री आती है ना, उसे भी पीस के इसमें मिला सकते हैं, वो भी काफ़ी हेल्दी होता है। तो ये देखिए, अब 2 मिनट बस हमें इसे चलाना है और चीनी के घुलने तक का वेट करना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब इलायची पाउडर। इससे इसमें काफ़ी अच्छी खुशबू आएगी और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो हम इलायची को भी इस तरीके से मिला लेंगे।
अब हमें इसमें डालना है मखाना, काजू और नारियल का जो हमने पाउडर बनाया था ना उसको। हमें आँच को धीमा कर लेना है और ये जो पाउडर है ना इसे पहले थोड़ा सा डालना है और इस तरीके से चलाते जाना है। तो इसे एक बार में नहीं डालिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम आधा डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अगर ये इसमें आपको थोड़ा सा गुठली भी दिखे ना तो कोई बात नहीं है, ये आसानी से इसमें अच्छे से दूध में घुल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा हमें आँच को धीमा कर देना है और ये देखिए जो बाकी का पाउडर है ना इसको भी हम इसमें डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आपको दूध ज़्यादा गर्म लगे तो आप आँच को बंद कर दीजिए, उसके बाद इसे अच्छे से मिला लीजिए, क्योंकि दूध हमारा काफ़ी गर्म है ना तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स दूध में अच्छी तरीके से हमारा जो सारा पाउडर है ना मिक्स हो गया है। अब हमें इसे 5 से 7 मिनट और ऐसे ही चलाते जाना है। तो आप देख पा रहे हैं हमारा जो मिक्सचर है ना वो धीरे धीरे सूखा सा हो रहा है। बस 2 मिनट हमें इसे धीमी आंच पर ऐसे ही और सेक लेना है। और ये देखिए ये काफ़ी सूखा हो गया है और पैन को भी छोड़ने लगा है, ये एकदम आटे जैसा बन जाएगा। तो बस लगभग ये हमारा तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और थोड़ा सा इसे और सूखने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये एकदम डो की तरह बन गया है, जैसे आटे का डो होता है ना वैसा बन गया है। और अगर ऐसे हम हाथ के बीच इसे रखेंगे ना, ऐसे रोल करेंगे ना, तो ये रोल होने लगेगा, लड्डू जैसा बनने लगेगा। इट मीन्स ये अच्छी तरीके से हो गया है। तो अब हमने यहाँ पे एक थाली ली हुई है और इसमें थोड़ा सा घी लगाकर इसे ग्रीस कर लिया है। आप बिना घी को ग्रीस किए भी बनाएंगे तो भी हमारी बर्फी काफ़ी अच्छी बनेगी। तो ये स्टेप ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो फॉलो करें, अदरवाइज इसे स्किप कर दीजिए। तो बस अब हमें सारा जो हमारा डो है ना उसको इसमें रख लेना है और इसे एक फ्लैट जो स्पेचुला होता है ना इस तरीके से इसमें फैला लेना है। तो देखा फ्रेंड्स ना हमने इसमें कंडेंस मिल्क यूज किया है, ना कोई बहुत ज़्यादा घी यूज किया है और ना ही हमने इसमें मावा डाला है, तब भी हमारा ये जो बर्फी है ना एकदम टेस्टी बनेगा। जब आप इसे खाएंगे ना तो पता ही नहीं चलेगा आपने कि हमने इसे बिना खोए के बनाया है। तो बस अब हमें इसे इस तरीके से हाथों की हेल्प से एकदम फ्लैट कर लेना है और चारों तरफ से बराबर रख लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें इसे चारों तरफ सेट कर लेना है, जैसे कि ये पूरा एकदम अच्छे से शेप में आ जाए। तो अब हमने इसके ऊपर डाला है थोड़ा सा पिस्ता कटा हुआ, जिससे ये देखने में तो सुंदर लगेगा ही और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा। आप चाहे तो इसे चांदी के वर्क से भी डेकोरेट कर सकते हैं, आप चाहे तो किसी और भी ड्राई फ्रूट्स भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, और अगर आप इसे प्लेन रखना चाहें तो भी आप इसे प्लेन रख सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे डाला है पिस्ता लंबा लंबा कटा हुआ, और इस तरीके से हम इसके ऊपर थोड़ा सा बेलन चला लेंगे, जिससे कि जो हमारा ड्राई फ्रूट्स है ना वो इसके अंदर सेट हो जाए और हमारा ये जो बैटर है वो एकदम चिकना सा हो जाए। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो इसे हम लगभग आधे घंटे के लिए साइड में रख देंगे, आप चाहें तो इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में भी सेट होने के लिए रख सकते हैं। इसके बाद हम इसे बर्फी की शेप में कट करेंगे। तो देखिए कितना टेस्टी और अमेजिंग लग रहा है ना। और ये जो थोड़ा सा हमने बचा लिया था फ्रेंड्स, आपको ये दिखाने के लिए कि इस बैटर से भी हम मखाने के लड्डू भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम मखाने का लड्डू भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा मखाने का लड्डू भी बना लिया है और इसे भी मैंने डेकोरेट कर लिया है पिस्ता के साथ। तो लग रहा है ना एकदम टेस्टी और यम्मी। तो कितनी जल्दी बन गया हमारे मखाने के लड्डू। तो आइए अब हम चलते हैं अपने बर्फी को काटने के स्टेप में, और इसके काटने से आपको अंदाज़ा लग सकता है कि ये कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए कितनी आसानी से इसमें नाइफ जा रही है और कट जा रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी जल्दी कितनी अच्छी मिठाई हमने घर पे ही बनाकर तैयार कर ली है। तो मैं इसके साइड से भी थोड़ा सा कट कर दूंगी, जिससे कि ना इसमें एक बर्फी का अच्छा सा शेप आ जाए। और अब मैं इसे आपको तोड़ के दिखाऊंगी। ये देखिए कितना सॉफ्ट है ना। तो ये देखिए अब मैं इसे आपको निकाल के दिखा रही हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स तैयार है ना कितनी जल्दी और कितनी आसानी से बनने वाला हमारा बर्फी। आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं और ऐसे भी आप इसे खाइए, ये काफ़ी हेल्दी होता है। तो मैं आपको एक और पीस निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए
और ये जब आप इसे तोड़ेंगे ना तो देखिए ये कितना सॉफ्ट है। तो लीजिए फ्रेंड्स, आप भी मुंह मीठा करिए हमारे 500 सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में। तो आइए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो में कहीं भी कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना नहीं भूलिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।